तो आज से हम लोग को एक नए टॉपिक की शुरुआत करना है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, और उस टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन आप ध्यान से सुनिए इधर। आफ्टर पुटिंग द हेडिंग ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोर्टेशन? बताएं। ट्रांसपोर्टेशन जनरल वर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन, तो इस ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी भी सबस्टांस को, मैटर को, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कराना, ले जाना। फर्स्ट लाइन। सेकेंड, यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप किसी भी चीज को मूव करा रहे हो, जैसे कि आप अपने घर से मूव करके यहाँ तक आए, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोशन, मोशन इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। आप कैसे आए? बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट मोड्स, दैट इज द बाइसिकल, मोटरसाइकिल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो ट्रांसपोर्टिंग मोड हो गया। और आप यहाँ पे मूव करके आए तो दैट इज द ट्रांसपोर्ट। तो एनी पर्पज रहा होगा, कोई पर्पज रहा होगा मूव करने का। क्या पर्पज है आपके यहाँ पे आने का? तो पर्पज यू नो वेरी वेल। लेकिन एट द सेम टाइम यदि मैं यहाँ बात करूँ कि कोई भी जनरल जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस जनरल ट्रांसपोर्टेशन का क्या पर्पज है, तो उसका पर्पज होता है क्या कि सबस्टांस को आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, द मोशन या ट्रांसपोर्ट मोशन ऑफ द पर्टिकुलर सबस्टांस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इन बॉडी टू टाइप्स ऑफ द सबस्टांसेज आर रिक्वायर्ड और सिंथेसाइजिंग। पहला क्या है? यूजफुल सबस्टांस। इन साइड द बॉडी द टू टाइप्स ऑफ द सबस्टांसेज आर रिक्वायर्ड और डिमांडेड या सिंथेसाइजिंग। पहला है आपका ऐसा जो यूजफुल सबस्टांस है, जो कि एज अ न्यूट्रिएंट काम करेगा, उसमें आपके जो है फूड की है और साथ साथ में जो है ऑक्सीजन या फिर गैस का है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, different kind of the particular substances are useful which are essentially required inside the body, but at the same time some harmful, some toxic, some waste products are also synthesizing inside the body, and that should not be accumulate inside the body। वो body के अंदर accumulate नहीं होना चाहिए, तो उनको क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वन बाई वन करके उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सिमिलरली जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वन बाई वन करके कहाँ तक पहुँचाया जाता है? तो अप टू द माइटोकॉन्ड्रिया, विच वन इज द अल्टीमेट साइट ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यदि हम आपसे बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ एक लाइन का है कि जो भी डिमांड के अनुसार, एज पर द रिक्वायरमेंट, सबस्टांस को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बींग के बीच में हम लोग को स्टडी करना है, ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बींग एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। यदि मैं आपसे एक छोटी सी सवाल की बात करूँ, जो कि बोर्ड में कई बार सवाल आ चुका है, ध्यान से सुनेंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको ज़रूरत है, प्लांट को कि ह्यूमन बींग को? हाँ, बच के रहिएगा, सवाल सुनिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको ज़रूरत है? ह्यूमन बींग्स को। क्यों ज़रूरत है? वाई द मैक्सिमम या मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बींग? क्यों ज़रूरत है? बिकॉज द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी क्या है? रिलेटिवली सिंपल है, और सिंपल होने की वजह से वहाँ पे लेस ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यूज का, सेल्स का, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट रिक्वायर्ड।
लेकिन जहाँ पे ह्यूमन बींग के बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़बरदस्त, बहुत खतरनाक लेवल की है, कॉम्प्लेक्स बॉडी, और मोर एंड मोर नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, मोर एंड मोर नंबर ऑफ एग्रीगेशन और एसोसिएशन आर देयर, और उस एग्रीगेशन और एसोसिएशन को चलाने के लिए, रन कराने के लिए लाइफ क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ द वनली प्रोसेस। तो उस प्रोसेस, इसलिए हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, तो उस लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए देर इज अ मोर नंबर ऑफ या मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पहला सवाल आएगा क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल और प्लांट्स रिक्वायर्ड द मोर एनर्जी, व्हाट यू विल से, एनिमल विल रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाई, बिकॉज देयर बॉडीज रिलेटिवली इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्लांट्स। दूसरी चीज, यदि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जुड़ी हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन, वन लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन वी हैव स्टडीड, यदि पूछा जाए कि न्यूट्रिशन का जो मेथड है किस में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, एनिमल में होगा कि प्लांट में होगा, एनिमल में होगा, वाई, बिकॉज द बॉडी ऑफ द एनिमल इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्लांट्स वन। बोलो बात समझ में, ट्रांसपोर्टेशन किस में कॉम्प्लेक्स होगा, एनिमल में कि प्लांट में, एनिमल में कि प्लांट में, तो देयर विल बी इन अ एनिमल, वाई, बिकॉज देयर इज द मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लेंगे, वो क्या है कि चूंकि एनिमल या ह्यूमन बींग की बॉडी क्या है, मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्लांट, तो जितने भी लाइफ प्रोसेस होगी एनिमल के केस में, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट। याद रहेगा, यदि आपसे पूछता है कि सर्कुलेशन किस में कॉम्प्लेक्स होगा, विच विल हैव द मोर कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, तो दैट विल बी एनिमल और ह्यूमन बीइंग, एंड इन केस ऑफ द प्लांट देयर विल बी लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम विल बी प्रेजेंट देयर। बोलो बात समझ में आती है, तो एक सवाल लिख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट आइदर इन एनिमल, वी कैन से एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल रिफरेंस टू ह्यूमन, और दैट इज प्लांट्स। लिख पाएंगे, इन केस ऑफ द प्लांट जो है बॉडी जो है बस टिश्यू सिस्टम तक रहती है, ऑर्गन सिस्टम तक या ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाती है, तो दैट्स वाई, अब समझ में आया, प्लांट के केस में सेल होगा, टिश्यू होगा, टिश्यू सिस्टम होगा, बट इन केस ऑफ द एनिमल और स्पेशली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग के केस में क्या होगा, सेल होगी, टिश्यू होगा, ठीक है, टिश्यू सिस्टम होगा, ऑर्गन होगा और ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विच विल हैव द मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी, ठीक है। अदरवाइज सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन दोनों का ही क्या है, लगभग सेम है, कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि इन केस ऑफ द प्लांट देयर विल बी सेल वॉल, देयर विल बी द क्लोरोप्लास्ट, देयर विल बी लार्ज वैक्यूल, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल वॉल विल अब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट विल अब्सेंट एंड सेंट्रल वैक्यूल विल ऑल्सो अब्सेंट, यदि होती है तो एक या बहुत ही स्मॉल साइज में होगी, उसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नॉट इज इन केस ऑफ द एनिमल सेल। बोलो बात समझ में आती, बस अब इसके बाद आते हैं बाबू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन।
के केस में एक्टिविटी नंबर 6.7। प्लीज एवरीवन ओपन द एनसीईआरटी बुक एंड जस्ट गो थ्रू द एक्टिविटी 6.7। प्लीज राइट डाउन इन कॉपी एक्टिविटी 6.7। विजिट द हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड सैंपल। प्लीज गो थ्रू इट। प्लीज राइट इन टू द कॉपी फर्स्ट।